हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ज्ञान कला। मैं हूँ ज्योति चौहान आप लोगों के सामने, और देख रहे हैं आज आप मुझे काफ़ी लंबे समय के बाद। बट एक्चुअली चलिए कोई नहीं, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लाई हूँ और काफ़ी बच्चे मुझे स्पेशली जो है पूछ रहे थे, पर्सनली मुझसे पूछ रहे थे क्योंकि वैकेंसी आई हुई है कुछ उसकी अपडेट को लेकर। तो देखिएगा जो राजस्थान सॉरी यहाँ पर जो अभी उत्तराखंड में वैकेंसी आई हुई है इसके बारे में मैं आज पूरी डिटेल से आपको बताऊंगी। बिल्कुल जो सटीक जानकारी है वो मैं आपको देने वाली हूँ। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो नीचे लिंक दिया होगा आर्ट ज्ञान कला का, उससे आप जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आप लोगों को ये पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसके बारे में जो जानकारी है वो डिटेल से बता दूंगी। और हाँ, एक और मेरा वीडियो है उससे उसको भी आप देखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज थी कि यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा, उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन उसके लिए भी आप बहुत कॉल कर रहे थे, तो उससे जुड़ा हुआ वीडियो भी मेरा जल्दी ही आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार से जो वैकेंसी यहाँ पर लेक्चरर की निकली हुई है, यानी ये ग्रुप सी की वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर। तो इस वैकेंसी में क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सीट है यहाँ पर, क्या एज क्राइटेरिया है, वो यहाँ पर आज आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, वो ये वाइट चल रहा है, चलिए एक सेकेंड देखिएगा। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर सामान्य शाखा महिला शाखा परीक्षा 2024 विज्ञापन जो प्रकाशित हुआ है, तो ये 18 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित हुआ था। ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 7 नवंबर 2024 है, यानी वही 12 बजे तक आप लोग भर सकते हैं। तो परीक्षा शुल्क जो है यहाँ पर, यानी जो आपसे चार्जेस लिए जाएंगे वो भी 7 नवंबर तक ही आप लोग दे सकते हैं। इसमें जो भी आप लोगों को करेक्शन करना है वो भी आप लोगों का, वो जो होगा आप लोगों का 19 नवंबर से स्टार्ट होकर 28 नवंबर तक रहेगा। 19 से 28 नवंबर तक यहाँ पर आप लोग अपने फॉर्म में जो भी आप लोगों ने मिस्टेक की है, कुछ करेक्शन करना है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ से इस वैकेंसी के बारे में जो सूचना है वो यहाँ पर आप लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आर्ट की भी कुछ वैकेंसी है, इसमें ज़्यादा तो नहीं है, मेल की ही है, फीमेल की भी नहीं है, फिलहाल यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर अधिसूचना जारी की गई है 168, ठीक है, दिनांक ये वही 27 अप्रैल है उत्तराखंड की। तो इसमें जो है, इसमें सबसे पहले मैं रिक्तियाँ कितनी हैं उनका वर्णन टोटल का मैं दे देती हूँ। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो विवरण है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 613 है, सामान्य शाखा में 550 है और महिला शाखा में कुल 63 पद यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, रिक्तियों की जो संख्या है वो घट बढ़ सकती है, वो डिपेंड करता है टाइम पर। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, ये जो आपका टेस्ट होने वाला है, ये आपका स्क्रीनिंग यानी वही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगा, जिसकी सूचना आप लोगों को दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से मिल जाएगी या फिर एक साइट में यहाँ पर दे रही हूँ, उसके संबंधित आप जो है चेक करके भी यहाँ पर आप लोग अपना जब भी डेट रहेगी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोगों की साइट है, देखिएगा मैं उसको दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे, अदरवाइज़ ये जो पीडीएफ है वो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, आप लोग नीचे दिए गए लिंक से जुड़ जाएंगे। ये देखिएगा, ये साइट है psc.uk.government.in पर आप लोगों को इससे जुड़ी हुई जानकारी दे दी जाएगी, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, समय समय पर इसको चेक करते रहिएगा। अब मैं आपको इसके बारे में कितनी वैकेंसीज़ हैं, कितने लोग अप्लाई, अभी तो मैंने कुल वैकेंसीज़ आप लोगों को बताई थी, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज़ दी हुई हैं। तो ये जो है आप लोगों की यहाँ पर दी है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास से संबंधित जानकारी है। अब लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें कला से संबंधित जानकारी चाहिए। तो कला की जो वैकेंसीज़ हैं, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर सिर्फ दो वैकेंसीज़ हैं कुल मिलाकर, और ये दो वैकेंसीज़ भी जानते हैं आप, ये मेल की यानी पुरुषों के लिए हैं, महिलाओं के लिए कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है।
अब यहाँ पर कुछ और छोटी सी चीज़ें मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। दो वैकेंसी पुरुषों के लिए हैं, तो ये ना सोचे सिर्फ दो वैकेंसी हैं, जो लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं वो अप्लाई ज़रूर करेंगे। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ये सोच कर छोड़ देते हैं अच्छा दो वैकेंसी है, हम लोग अप्लाई नहीं करते क्योंकि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये होता है उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अब जितना उन लोगों ने ये सोचा कि हम अप्लाई नहीं करते हैं, तो सोचिएगा, मान लिया सबने ये सोच लिया, इसका मतलब कोई भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएगा। 10 लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं, 10 लोग फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अब हो सकता है उन 10 में से किसी एक की ही अच्छी तैयारी हो, तो एक वैकेंसी तो फिर भी बच गई। आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, सीट दो भले ही हैं लेकिन वो एक सीट आपको चाहिए, वो आपकी हो जाएगी। तो कोशिश करिएगा जो लोग एलिजिबल रहेंगे वो लोग इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इससे जुड़ी हुई क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन क्या है, अब देखिए, प्रवक्ता कला की जो वैकेंसी यहाँ पर है, दो वैकेंसी मैंने बताया था पुरुषों में निकली हैं, महिलाओं में नहीं निकली, यानी मेल की दो वैकेंसी हैं, फीमेल की कोई वैकेंसी नहीं है। तो जो मेल के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है, उस क्वालिफिकेशन को देख लेंगे। ये है आप लोगों की प्रवक्ता कला की वैकेंसी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन और चित्रकला, ड्राइंग एंड पेंटिंग, यानी आपसे सीधा सीधा मांगा गया है, ड्राइंग डिज़ाइन या फिर आपके पास हो, प्राविधिक कला या फिर आपके पास हो, पेंटिंग हो, फाइन आर्ट हो, यानी पेंटिंग यानी विजुअल आर्ट में स्नातकोत्तर उपाधि आप लोगों ने हासिल की हो। यानी देखिएगा, यहाँ पर सीधी सीधी एक चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगर आप लोगों ने एमए कर रखा है ड्राइंग से, ड्राइंग एंड पेंटिंग से, चाहे आपका जो है उसमें आपका डिज़ाइन है, प्राविधिक कला है, पेंटिंग यानी फाइन आर्ट से आप लोगों ने कर रखा है, या विजुअल आर्ट में आप लोगों ने पीजी कर रखा है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, स्नातकोत्तर कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन आप लोगों के पास होना चाहिए, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिएगा, आयु की गणना जो है वो 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 42 होना चाहिए और मिनिमम जो आपकी एज है वो 21 होना चाहिए, इसके मिड में आपके पास होना चाहिए। और देखिएगा आगे जो है इसमें छूट के बारे में, तो यहाँ पर जो है आप जानते ही हैं, बाकी मैं इसकी मेन कुछ चीज़ें बता देती हूँ जो इसमें लिखी हुई है। बहुत सारे बच्चे जो हैं कंफ्यूज हैं इसको लेकर, उन चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन कर देती हूँ। जो जिसके लिए आप परेशान थे, आप पूछ रहे थे कि मैम इसमें कुछ एलिजिबिलिटी ऐसी रख दी गई है कि जो है वो उत्तराखंड वाले ही पात्र होंगे या अदर भी पात्र जो इसमें भर सकते हैं फॉर्म नहीं भर सकते, तो यहाँ से देखेंगे। देखिए इसमें जो मैंडेटरी रखी गई है वो क्या है, तो वो रखा गया है कि इसमें ऐसे ही लोग एलिजिबल हो सकते हैं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अपना कहाँ से किया हो, या फिर इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से ही उत्तीर्ण की हो। यानी यहाँ पर आप लोगों ने अगर हाई स्कूल और इंटर आप लोगों का उत्तराखंड के किसी स्कूल कॉलेज से है तो आप एलिजिबल हैं, और अगर आपने ये बाहर से किया है, किसी अदर स्टेट से किया है, तो आप इसमें एलिजिबिलिटी नहीं रखते हैं। क्लियर है, सीधा सीधा ये ध्यान रखना है। इसमें वही लोग एलिजिबल हैं जो जिन्होंने यहाँ से 12th और हाई स्कूल पास किया है उत्तराखंड से, यानी इन्होंने इनडायरेक्टली ये बोल दिया है कि उत्तराखंड वाले ही पात्र होंगे, उत्तराखंड के बाहर वाले बच्चे इसमें पात्र नहीं होंगे, मतलब वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब और जो चीज़ें हैं इसमें, यही आप लोग पूछना चाह रहे थे, कन्फ्यूज़न आप लोगों को था भी, मेरे पास क्वेरी भी इस चीज़ की थी, तो अब इस कन्फ्यूज़न को जो और भी चीज़ें हैं इसमें, अगर कुछ है तो मैं अभी क्लियर करा देती हूँ। इसमें देखिएगा, अब देखिए इसकी जो परीक्षा होगी वो दो चरणों में होगी, यानी इसकी परीक्षा के दो चरण होंगे। प्रवक्ता की परीक्षा है और इसमें जो एक चरण होगा आपका, पहला जो चरण है वो यहाँ पर है, तो पहले चरण में आप देख सकते हैं जो परीक्षा दी हुई है, स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी है, तो प्रश्नों की संख्या इसमें जो रहेगी, इसमें सीधा सीधा शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न रहेंगे, शैक्षणिक योग्यता वाले, और दूसरा जनरल आप लोगों का जीके के क्वेश्चन रहेंगे, वो 150 रहेंगे और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। प्रथम चरण की परीक्षा आपकी ये होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी साथ साथ आप लोगों की, तो परीक्षा आप लोगों की थोड़ी सी टफ होने वाली है। और जहाँ तक है 1/4 की ही नेगेटिव मार्किंग होनी चाहिए, अभी लिखी तो नहीं है, बट ये जो जैसे भी होगी वो मैं आप लोगों को अपडेट करूंगी, ठीक है। इसके बाद दूसरे चरण की जो परीक्षा है इसमें, वो दी हुई है आपकी सब्जेक्ट की परीक्षा होगी, तो ये होगी लिखित परीक्षा है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, और इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो 200 है, यानी जो अंक होंगे वो भी 200 होंगे,
और ये 3 घंटे की परीक्षा आप लोगों की होगी। और इस परीक्षा में आप देख सकते हैं जो विषय की सूची, इसके लिए भी ऋणात्मक पद्धति प्रयुक्त की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग इसके लिए भी होगी आप लोगों के, और वो कितनी होगी वो बता दी जाएगी। जैसे यहाँ पर विषय दे रखे हैं और इसमें कला का जो विषय है वो भी दिया हुआ है, तो इसका जो आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, तो पाठ्यक्रम मैं आप लोगों को ये जो है प्रोवाइड करा दूंगी, जो इसका पाठ्यक्रम है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका जो है सिलेबस, फर्स्ट पेपर का सिलेबस क्या है, सेकंड पेपर का सिलेबस, यानी आपके जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो आप लोगों को मिल जाएगा। फिलहाल आप लोगों को आज मैं उम्मीद करती हूँ पूरी जानकारी मिल गई होगी, इससे रिगार्डिंग जो भी आप लोगों का डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे नए अपडेट के साथ, यानी इसके सिलेबस के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।